ठीक तरह से हम लोग उसी तरह से कस्टमर केस में करना होगा, कस्टमर केस में भी जाके करेंगे, उसको मैप कर देंगे, ये चीजें हमारे बिल्कुल। ये है आपका विथहोल्डिंग टैक्स का नहीं 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 एक लैंडेड कॉस्ट बता दीजिए तो फिर आप एमआरपी का पूरा नया सेशन कर लेंगे। अब जाइए लैंडेड कॉस्ट जो होता है जनरली परचेज केस में होता है यूज, तो लैंडेड कॉस्ट बनाने से पहले सबसे पहले क्या करना है, आप परचेज ऑर्डर बनाएंगे, ठीक है। परचेज ऑर्डर बनाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले लैंडेड कॉस्ट आप डिफाइन करेंगे कि क्या क्या आप किस केस में लग रहा है, ठीक है। कि आपका एक होता है कस्टम ड्यूटी लगता है, फिर आपका इंश्योरेंस लगता है, उसके बाद एक्साइज ड्यूटी लगता है, तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन हमें क्लाइंट देता है कि ये चीज हमें कस्टम ड्यूटी में लगती है, ठीक है। जो लैंडेड कॉस्ट है, लैंडेड कॉस्ट करने का मतलब क्या है कि कॉस्ट एक्सपेंस टू कैरी ऑफ द मटेरियल फ्रॉम अदर कंट्री टू आवर कंट्री, उसको लाने में जो खर्चे हुए वो, ठीक है। तो वो आपको है सर, यहाँ पे कुछ लोग कोड बनाते हैं, कुछ लोग सेक्शन बना के उससे यूज करते हैं, तो ये चीजें है यहाँ पे सबको देता। अगर आपको कोड बना है जैसे बीसीडी का बनता है, अनसन जो भी, कितने कोड आपके यहाँ यूज हो रहा है? नहीं हमारे यहाँ तो नहीं है, कोई कोड नहीं है। हम लोग भी जनरली कोड नहीं बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट लैंडेड सेक्शन में जाके हम सेक्शन बनाते हैं और उसको यूज करते हैं लैंडेड कोड। जनरेट जी नंबरिंग डॉक्यूमेंट नंबर ब्रांच टू वाइट टेस्ट चूज ब्रांच ब्रांच बिल्कुल कॉपी टू जी आर पी डेट आज की हुई हो गया, ये हो गया एडर blended cost जीआरपीओ के लिए इंटरव्यू में इसमें लैंडेड कॉस्ट के ऊपर कौन से ऐसे कौन सा टिपिकल क्वेश्चन पूछते हैं? सर आपके पास वैसे कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज प्रोवाइड करना सर प्लीज। सिंपल कंसेप्ट कंसर्न ये रहता है कि आपको अकाउंटिंग का नॉलेज ठीक ठाक आ जाए,
यस। अब इसके अंदर अपने इसको डीएल देख ले, इसकी जनरल एंट्री देख लें, देखेंगे एक बार। बराबर एलोकेशन कोई भी ले लिए, मैं कोई ले लेता हूं ऐसे ही लैंड के लैंडेड कॉस्ट को समझ में आ जाएगा। मैं एक नया बना देता हूं कस्टम ब्यूटी नाम से, बराबर कॉमन चलेगा, बराबर ये ना यही है ना रिलैक्समेंट्स। डैश डी डी डैश एम ए टी डैश 009 एम ए टी एम ए टी एम ए टी एम ए टी एम ए आर हो गया। पोर्ट चार्जेस कस्टम ड्यूटी में जितना अमाउंट आ लगा है आप यहां डाल दीजिए, 5000 रुपया मैंने डाल दिए भाई कस्टम ड्यूटी लगे। डॉकयार्ड चार्जेस भी इसी में आएंगे ना, पोर्ट चार्जेस डॉकयार्ड चार्जेस डॉकयार्ड चार्जेस मैं बोल तो रहा हूं जो चीज आप चाहते हैं उतना आप वो आप नंबर्स ऑफ सेक्शन यहां पे बना लिए 1 2 3 4 5 6 10 जितना है आप इसमें बना सकते। ओके ओके ठीक है। अब क्या इंक्लूड फॉर कस्टम, तो इसको आप इंक्लूड कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या है आइटम पे दो चीजें हैं कि आपको कुछ ना बेस्ड ऑन द इंक्लूडेड लैंडेड कॉस्ट सिलेक्शन मैप सेम बिजनेस ओनर कैलकुलेट दैट द न्यू प्रोजेक्ट कस्टम वैल्यू इज इतना दिस डिफरेंस फ्रॉम द ओरिजिनल प्रोजेक्ट कोड। चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये चीजें अपने आप यहाँ पे कहाँ से आ गया, कहाँ से ये एक्सपेंडिचर आ गया ना,
जो कस्टम ड्यूटी मैंने यहाँ पे डाले थे वो डिवाइड हो गया टोटल आइटम पे, और ये ड्यूटी जो लग रहा है वो क्या हो जाएगा, उसकी स्टॉक वैल्यू को बढ़ा देगा। ठीक है, तो जितना वैल्यू हम यहाँ पे, अगर कोई और चार्ज लग रहा है यहाँ पे, कोई और चार्ज लग रहा है तो आप 50 रुपीज इसको भी इंक्लूड कर दीजिए, इसमें 60 रुपीज इंक्लूड कर दीजिए, इसमें 70 रुपीज इंक्लूड कर दीजिए। ठीक है, कुछ लोकल ट्रेवलिंग के लिए ये लगा हो या कोई और चार्जेस है वो सब ऐड कर दे, तो अपने आप क्या करेगा, ये एडजस्ट करेगा और आपकी स्टॉक की वैल्यू उसी हिसाब से रिवाइज हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो उससे क्या होगा, स्टॉक की वैल्यू है हमारा बढ़ जाएगा, हमारा एक्सपेंसेस हुआ तो कहाँ पे कैप्चर होगा, स्टॉक पे ही तो कैप्चर होगा। अल्टीमेटली जो हम मटेरियल मंगा रहे, सपोज दैट हमारा मटेरियल क्या है, 5 लाख का मटेरियल है और 50,000 रुपए हमको उसको लाने में खर्चे हो गए, तो मटेरियल पे ही तो कैप्चर होंगे ना। तो जो भी लैंडेड कॉस्ट होंगे, इंश्योरेंस हो गए, एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा एक्सपाइज जो भी लग रहे हैं, सारे के सारे जितना सेक्शन आप यहाँ बना के यहाँ कैप्चर करेंगे प्राइस को, वो सारा का सारा सेक्शन करेगा यहाँ पे प्राइस डिवाइड। बराबर, ठीक है, और वो आपके स्टॉक पे कैप्चर हो जाएंगे, तो आपका स्टॉक वैल्यू जो है उस हिसाब से बढ़ जाएगा। तो जब आपका कंजम्पशन होगा पर्टिकुलर एफजी के लिए, तो उसी हिसाब से ये बॉन्ड का प्राइस उठा के लेके आएगा। और रंजीत जी, हाँ, अब इसमें 2-3 चीजें हैं, जैसे लैंडेड कॉस्ट हमको हर बार इनवॉइस के पहले एलोकेशन करना है, या हम लोग इनवॉइस के बाद और इनवॉइस से पहले। तो हम लोग अगर जैसे इन केस, अब मेरे पास में बिल आ गया, मेरे पास में समझ लो मटेरियल आ गया, अब मेरे को मटेरियल का तो और इनवॉइस भी आ गया, लेकिन मुझे लैंडेड कॉस्ट अभी कंपनी ने भेजे नहीं कि कॉस्टिंग कितनी लगी है उसका अलग से, तो हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं, इनवॉइस के बाद में भी हम लैंडेड कॉस्ट उस पर्टिकुलर इनवॉइस पे कर सकते हैं। इनवॉइस के बाद अब कैसे करेंगे, तो आपका एमआरएम क्लोज हो जाएगा ना। अरे नहीं, एमआरएम तो क्लोज हो जाएगा, तो फिर हमको उसको जेई के बेस पे फिर उसके लैंडेड कॉस्ट की वैल्यू वो करना पड़ेगी, या उसको रिवैल्यूएट करना। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो होना ये चाहिए कि वेंडर को भेजना चाहिए मटेरियल के साथ ही, रूल तो ये कहता है कि भाई जो एक्सपेंसेस लगे हैं लाने में वो उसके साथ ही भेजेगा, वो तो आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो वो आपको लेट से भेजता है या जो भी, तो आप एक एक्सपेक्टेड जो है वो आप उसको एक्सपेक्टेड डाल दीजिए कितना लगता है, बार बार जो रेगुलर मैनर में लगता है तो आप उसको कैप्चर कर सकते। एक बार जब इनवॉइस बना लेंगे आपका जीआरपीओ क्लोज हो जाएगा, तो कैसे आप लैंडेड कॉस्ट यहाँ पे आएगा ही नहीं है, बराबर, तो आप यहाँ पे कैप्चर कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सिस्टम जीआरपी जो है सैप जो डिजाइन है एज पर द रूल ही तो डिजाइन है, बराबर, वो तो अलग। या फिर आप ये कीजिए कि उसकी एमआरएन कर लीजिए, और जब आपका लैंडेड कॉस्ट भेजे 5-10 मिनट जब भेजे तब उसकी आप बिलिंग कीजिए। हाँ, वही आप कस्टमर आपके वेंडर जो उसे रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई मेरे को मटेरियल के साथ में ही वो कॉस्टिंग भेज दो, ताकि हम अपना सिस्टम में कैप्चर कर सके, बराबर। हाँ, मतलब यही है कि वह जीआरपी और इनवॉइस के बीच में हमको लैंडेड कॉस्ट को डिफाइन करना, साइन करना, जीआरपी क्लोज हो गया तो फिर आप कैप्चर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मटेरियल इन हो जाएगा ना। कस्टम वैल्यू डाल दिया बराबर। अभी इनवॉइस के अंदर अपडेट वैल्यू हो जाएगी। पूछा है ना, हाँ, क्वेश्चन के ऊपर एक कंपनी है
इतनी आर्गुमेंट हुई, अरे वो दे नहीं रहा तो मैं कैसे करूं भाई, वो आपका कैसे, मैं क्या कर सकता, जो प्रोसेस है आप उसी के अनुसार तो चलोगे। देखिए यहां नहीं नहीं एक्चुअली क्या देखिए, आप है कंसल्टेंट साइड, मैं वो क्लाइंट साइड, क्योंकि हमको पता है कि हमको कितना कितना भुगतना, और मेरे को तो कितना भुगतना पड़ता है। मेरे को यही बोल रहा था क्या वो भेजा नहीं, तो मैं कहां से दे दूं, तो मैं बोला भाई अगर सही भेजा है तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें। आपको जब तक आएगा नहीं, मैं वर्चुअल कैसे बना बढ़वा दूं उसमें कि लैंडेड कॉस्ट इतना होगा, एक्सपेक्टेड बढ़वा दूं इतना होगा, ये होगा वो होगा, मैं एक्सपेक्टेड बढ़वा ही नहीं सकता, आप एक्चुअल लेके आओ वैल्यू कितना है, नहीं हो सकता, वही ना। बस तब अपन इस अपन लैंडेड कॉस्ट का स्टैंड अलोन बना ही नहीं सकते, वही है ना, फिर आप कैसे कर सकते हैं। सही है, मेरे साथ में बहुत होता है, तो मैं इन लोगों को भी बोलता हूँ अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर वैल्यू आइटम का रिवैल करो, और क्या उतनी कॉस्ट जी ही मारो, वैल्यू खत्म, ठीक है ना। चलिए अब मंडे से एमआरपी, हाँ मंडे से एमआरपी खत्म कर लेंगे। एमआरपी खत्म करने का क्या तारीख हो गया, अब मैं फाइनेंशियल लास्ट दो दिन जब बचेगा तो उसमें फाइनेंशियल करूंगा, यानी कि मंडे ट्यूसडे हम एमआरपी कर देंगे खत्म। हाँ ट्यूसडे हुआ हुआ नहीं तो वेडनेसडे को, और थर्सडे फ्राइडे में फाइनेंशियल रिपोर्ट जो बचे हुए हैं वो, उसके बाद आपका डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, ये सारे चीजें आपको, ठीक है ठीक थैंक यू, वही सही रहेगा बिल्कुल। तो ऐसा कुछ डाउट्स रहेगा तो मैं आपको व्हाट्सएप मैसेज कर दूंगा, फिर जैसा भी आपको टाइम मिलता है। ओके बिल्कुल बिल्कुल, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, कल करते हैं।